सो गाइस, जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताए थे कि एक और हेलमेट आने वाला है, और वो हेलमेट आ गया स्टीलबर्ड का। बस अभी जस्ट ही अमेजोन का डिलीवरी पार्टनर देने आया था, मैंने रिसीव कर लिया उसे, और जस्ट इसको अभी मैं ओपन करने जा रहा हूँ, इसको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा और इसका रिव्यू भी करूंगा, आपको बताऊंगा कि मतलब ये कैसा हेलमेट है और लास्ट हेलमेट आपने देखा था। सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सोच रहे हैं, एक हेलमेट ऑलरेडी था, बट दूसरा क्यों मंगा लिया? इसका मंगाने का रीजन ये है कि जैसे मेरे साथ पिनियन राइडर बैठता है या मेरे पीछे कोई भी बैठता है, तो क्या उसकी भी सेफ्टी देखना पड़ेगा? हम अपना तो सेफ्टी देख लिया, बट उसका भी तो सेफ्टी देखना जरूरी है ना। आप लोग खुद बताओ कि अगर पीछे बैठ रहा, अगर हम तेज गाड़ी चला रहे हैं या स्लो चला रहे हैं, बट कुछ हो जाता है तो उसका सेफ्टी देखना है। इसलिए हमने दो मंगाया कि जब भी गाड़ी राइडिंग करेंगे मैं भी पहनूंगा और मेरे जो पीछे रहेगा मैं उसको भी पहनाऊंगा, इसलिए दो हेलमेट मंगाए हैं हमने। ठीक है, अब मैं इसका अनबॉक्सिंग स्टार्ट करता हूँ। सो आपको दिखाते हैं फाइनली इसके अंदर कौन सा मॉडल है और कैसा है। अमेज़न वाले ने पैकिंग अच्छा करके दिया है, पिछले बार दूसरी पैकिंग थी और इस बार दूसरी पैकिंग आई है। सो फाइनली स्टील बर्ड वंस अगेन। सो फाइनली एक और हेलमेट आ गया है, स्टील बर्ड टर्मिनेटर। अच्छा, इसमें भी एक एक्स्ट्रा मतलब दिया था, मेरे को लगा कि नहीं देगा शायद, क्योंकि वो साइट पे तो नहीं दिखा रहा था, बट इसमें भी एक एक्स्ट्रा कांच मिला है, इसमें स्मोक वाइजर के साथ है। ओहो, इसको साइड करते सबसे पहले। अब आप देख सकते हैं इसको क्या के अंदर में दिया है। टाइट फिट इज द राइट फिट, मतलब टाइट फिट आपके लिए सबसे परफेक्ट हेलमेट रहेगा। और इसमें साइज दिया हुआ 49 to 50, फिर 51, 52, बट हम मेरा जो साइज है वो है मतलब ऑलमोस्ट एम साइज का मंगाए हैं, तो एम साइज जो है 55 और 56 आता है, जो 580 mm का है। तो ये साइज मतलब मोस्टली प्रीफर करते हैं, क्योंकि मोस्टली सबको क्या है वो एम साइज ही आता है, इसलिए एम साइज की बहुत कम लोग एम पहनते हैं। और एम साइज हेलमेट जितना ही टाइट फिटिंग रहता है ना, उतना आपको कंफर्ट रहेगा, जैसे आप चलाते हैं तो आपको ये हिलना नहीं चाहिए, वो फिटिंग रहता है, तो राइडिंग पोस्चर आपका अच्छा रहता है। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा है इसको, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ये हटाते हैं, ये जो इसको हटा दे थोड़ा सा, इसका समझ में आए कि कैसे क्या है। ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ इस कांच में जो है ना, स्क्रेच रेसिस्टेंस, इसमें स्क्रेच नहीं आएगा। और ये सबसे पहले ये बता दे कि ये जो है ना पूरा मैट है, ये पूरा जो है मैट फिनिश है। और जैसे कि आपको बताया और सबको पता है कि मेरी जो बाइक है वो मैट कलर की है, मैट ब्लैक है, और मुझे भी ब्लैक पसंद है, इसलिए मैट में ही हमने मंगाया, और हेलमेट भी ब्लैक कलर की है। ये स्टीलबर्ड का रोबोट टर्मिनेटर हेलमेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ रोबोट, और ये जो पूरा जो इसका जो लुक है ना, ये रोबोट की तरह लुक है, आपको एक तरह से आपको देख के समझ में आ रहा होगा, ये पूरा इसका लुक है ना रोबोट की तरह। और इसका ये लुक देने के मतलब रीजन इसका अलग है, पता है क्यों ऐसा दिया गया? क्योंकि जैसे हम इसको पहनते हैं ना और पहन के चलाते हैं, इसमें जो पूरा जो एयर होता है ना, इसको काटते हुए चलाता है, जो गाड़ी स्पीड में आएगी ऐसे करके तो पूरा एयर कट के निकल जाएगा, इसलिए इसका लुक ऐसा दिया गया को एयर को काटते हुए चलेगा, और गाड़ी आप जब राइड करेंगे तो आपको कंफर्टेबल फील होगा, और स्पीड में भी अगर चलाते हैं तो आपको कुछ भी मतलब हार्ड टाइप का या कुछ भी अननेसेसरी आपको फील नहीं होगा, गाड़ी अनबैलेंस हो रही है। तो इसके लिए इसका डिजाइन ऐसे दिया गया, क्योंकि चलता एकदम रोबोट की तरह है और पहनने के बाद बहुत कंफर्टेबल आपको फील होगा। और इसका डिजाइन दिया हुआ इसलिए क्योंकि इसका फुल ये आप देख सकते हैं बैक वाला, इसका जो बैक है ना, यहाँ से पूरा एयर यहाँ से निकल जाता है और ऊपर से भी जाके यहाँ से एयर निकल जाता है। बट मैंने सोचा कि ये हेलमेट भी बहुत जरूरी है, अगर कभी मैं अकेले जाता हूँ तो इसे पहन के राइड कर सकते हैं, या मेरे साथ जो कोई पिनियन राइडर बैठा है तो मैं उसे ये पहना सकता हूँ, कि उसकी सेफ्टी और अपना सेफ्टी दोनों राइडर के हाथ में होता है। ठीक है, अब इसके फीचर्स बताते हैं कि इसमें क्या क्या आपको मिलता है और क्या क्या इसमें बेनिफिट्स आपको है।
और सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपकी मतलब सेफ्टी इसमें हो जाएगी, आप जैसे पहनते हैं आप उस टाइम से आपकी सेफ्टी लाइफ बढ़ जाती है। राइडिंग बाइक, जब भी बाइक राइड करते हैं आपको सेफ्टी फील होगा, आप अगर गिरते भी हैं तो आपको उतना चोट नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें जो है वो ISI मार्क इसमें दिया हुआ पीछे में, आप देख सकते हैं। और स्टील बट अपने कस्टमर्स के लिए ना बहुत सेफ्टी देखता है और उसके अकॉर्डिंग ये चीजें ना बनाते हैं। और ये पूरा जो है ना इसका कस्टमाइजेशन आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा, और ग्राफिक्स भी बहुत अच्छा है, और इसका जो कलरिंग है जो ब्लैक और ग्रे में इसमें कलरिंग दिया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा हेलमेट है और बहुत ही सेफ्टी इसमें आपको मिलने वाला है इसमें, ठीक है। और यहाँ ऊपर में आप जैसे कि देखते हैं, ये देखिए ऊपर में ये आप देख सकते हैं ये कर दिए, यहाँ से छोटे छोटे वेंट है यहाँ से कि हवा अगर यहाँ से जाता है, और क्या ये पीछे में दो वेंट है यहाँ पे, गया यहाँ से हवा बाहर निकल जाता है तो अंदर में बिल्कुल सफोकेशन तो लगेगा नहीं। ये देखिए ये जो है यहाँ से हवा जाने के लिए, यहाँ से जैसे आप चलाते हैं चीन के पास यहाँ कर दिया तो यहाँ से भी एयर अंदर जाता है और पीछे से बाहर निकल जाता है, तो ये कॉमन है उसमें, पुराने हेलमेट में भी ये था इसमें भी है, बट इसका टेक्नोलॉजी थोड़ा सा अलग इसमें यहाँ पे भी दिया हुआ है ये चीज, तो ये चीज अच्छा है कि मतलब आपके लिए, और आप जैसे पहनते हैं तो अच्छा कंफर्ट होगा। फिर अंदर का जो पैडिंग है सेम इसमें भी जो पैडिंग है ना ये ओपन होता है, यहाँ से ये पैडिंग यहाँ से ओपन हो जाता है, जैसे कि आपको पता है ओपन हो जाता है, इसको वॉश कर सकते हैं और आप यहाँ पे पहनते हैं तो आपको इरिटेशन फ्री रहता है। और आपका जो नेक होता है ना, सबसे मेन चीज क्या होता है कि मगर हेलमेट अगर हम लेते हैं तो सबसे ध्यान रखना पड़ता है कि हम नेक में प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, इसको पहनने के बाद और इसके जो पैडिंग इतना कंफर्ट है ना कि आपको आपके नेक में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा। इसको हम पहनकर आपको दिखाते हैं अभी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आप जैसा कि देख सकते हैं उसको पहनने के बाद मुझे टाइट फिटिंग पूरा हो रहा है और इसके अंदर उतना भी नहीं, और इसमें जो होता है ओपन यहाँ से होता है, आपको यहाँ से दिखा रहे हैं यहाँ से, ये इसमें मतलब ओपन करने के लिए आपको अलग से आपको यहाँ पुश नहीं करना पड़ेगा, आप गाड़ी चला रहे हैं आप ओपन करते हैं यहाँ बटन प्रेस करेंगे ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ से इसको ऐसे कर दिए ये लॉक हो जाएगा, फिर यहाँ प्रेस कीजिए गाड़ी चला रहे तो आपको ये ओपन हो गया, तो ये चीज़ें आराम है और इसमें कंफर्टेबल। देखिए ये बिल्कुल भी हिल नहीं रही है, ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, ये बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ जंप कर रही है देखिए, ये तो मतलब बहुत कंफर्टेबल है ये। हेलमेट हमारा लेने का मकसद क्या होता है कि सेफ्टी को देखते हुए हमें ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हम आपको सबको यही बोलेंगे कि हेलमेट लगा करें या गाड़ी चलाइए, बिना हेलमेट का बाइक राइड मत कीजिए, क्योंकि हम बाहर निकलते हैं तो क्या होता है कि हमें अपने सुरक्षा देखना पड़ता है। और पीछे जो आपके बैठते हैं ना उसे भी आप हेलमेट पहनाइए, अगर नहीं है तो आप हेलमेट एक ले सकते हैं, और इसकी ज्यादा कॉस्ट नहीं है 1954 रुपए में। मैं इसकी लिंक जो है ना अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको ये हेलमेट पसंद आता है तो डेफिनेटली आप वहां से बाई कर सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं कैसा है, और इसमें 10 डेज का रिटर्न पॉलिसी भी है, अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप रिटर्न कर दीजिए, आपके पास दो इसमें साइज मिलते हैं एम और एल मिलते हैं, और इसमें कलर का ऑप्शन बहुत ज्यादा है आपके पास, ऑलमोस्ट 6 या 7 कलर है, तो आपको जो भी कलर अच्छा लगता है आप उसमें से वो कलर पिक कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बट लेकिन हम सबको सजेस्ट करेंगे हेलमेट मस्ट यूज एवरीवन।